नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़ने वालों की सोनीपत व्यापार मंडल ने मंगलवार को शव यात्रा निकाल कर केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे देश के गद्दारों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा के तौर पर देश निकाला देकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोनीपत में व्यापार मंडल से जुड़े दुकानदारों में बेहद गुस्सा है। इनके साथ शहर के आम लोग भी एकत्रित हुए हैं और ये सब मिलकर पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर भारत में पटाखे फोड़कर खुशी मनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से कर रहे हैं। यहाँ पर देश के उन गद्दारों की शव यात्रा भी निकाली जा रही है। व्यापार मंडल के जिला प्रधान संजय सिंगला ने कहा कि देश के ऐसे गद्दारों की पहचान कर उन्हें सख्त से सख्त सजा सरकार के माध्यम से मिलनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भी भेज देना चाहिए ताकि वे अपनी खुशियां जीवन भर वही मनाते रहें। सरकार को इस ओर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। सोनीपत से हमारे संवाददाता विकास औल्यान की रिपोर्ट। आज हमने जिला व्यापार मंडल और कच्चे क्वार्टर मार्केट में दो दिन पहले जो भारत पाकिस्तान का मैच था और उसमें पाकिस्तान के जीतने पर भारत के हारने पर देश के जिन गद्दारों ने खुशी जाहिर की है, आज उनकी ये चिता निकाली जा रही है, उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे गद्दारों को जो देश की हार पर और पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करते हैं, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए या सीधा उनको गोली मारने की सजा दी जाए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।